ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले बेसन ले लेंगे, उसमें मसाला मिला लेंगे और आलू का चोखा बना लेंगे और उसको बना करके चटनी वटनी सब मतलब कि रख लेंगे उसमें ब्रेड में लगाने के लिए। और यहाँ ब्रेड हम लोगों ने ले लिया है, जितना ब्रेड बनाना है उतना ही पीस लेंगे। और देखिए हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, स्वादानुसार, ज़्यादा नमक नहीं डालना है, ये देखिए। और इसके बाद इसको पानी डाल के इसका थोड़ा सा घोल बनाएंगे, ज़्यादा पतला घोल नहीं करेंगे, गाढ़ा ही घोल रखेंगे जिससे कि पूरे ब्रेड में लपेटे में आ जाए, पूरा ब्रेड बढ़िया से अच्छी तरह से मतलब कि बेसन उसके ऊपर चढ़ जाए अच्छी तरह से। और देखिए ऐसे ऐसे करके मिला लेंगे, मतलब कि हल्का भी गांठपन नहीं रहना चाहिए बेसन के अंदर, ठंड के मौसम में थोड़ा गांठ बन जाता है अगर बेसन आप खुला लाएंगे तो इसीलिए इसको मिलाने के बाद हरी वाली चटनी निकाल लेंगे, तीखी चटनी। आपको अगर जैसा ब्रेड खाना हो वैसा ही चटनी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग को थोड़ा चटपटा खाना है तो हम लोग तीखा चटनी लगाएंगे। और इसको बीच में से पहले इसको ऐसे करके फाड़ लेंगे, सब एक एक करके फाड़ फाड़ के रख लेंगे। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं दोस्तों, आप लोग कैसे बनाते हैं ये नहीं मालूम, और हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चम्मच से चटनी को निकाल के ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, इस तरह से करके चारों तरफ लगा लेंगे अच्छी तरह से, उससे थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है। ऐसे मिला लेंगे चारों तरफ, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो जैसी लगी हो वैसी कमेंट करके बताइएगा। हम लोग बिहार में ऐसे ही ब्रेड बनाते हैं, फिलहाल हम लोग कानपुर में हैं अभी। और ये देखिए अब चोखा लगाएंगे चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे इसको, ये देखिए ऐसे करके इसको लगा देंगे। दोस्तों किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, अगर आपको खाने में स्वाद चाहिए तो उसको बिल्कुल प्यार से बनाइएगा और आराम आराम से धीरे धीरे बनाइएगा। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर दोस्तों इसको मतलब कि पकाइएगा, छानना है पकाना नहीं है, मतलब धीमी आंच पर इसको छानिएगा। चूल्हा जल गया, कढ़ाई बैठा दिए हैं और अब डालेंगे इसमें रिफाइंड, ये देखिए रिफाइंड डाल दिए। तब तक के लिए तेल को गर्म होने देंगे और जब तक तेल गर्म होगा तब तक यहाँ सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे, चोखा लगा के चटनी लगा के अच्छी तरह से। चोखा को दोस्तों बढ़िया से बनाइएगा क्योंकि उसी में मेन स्वाद होता है। अब देखिए इस तरह से करके इसको तेल गर्म हो गया है और ब्रेड को ऐसे बेसन में लपेट के एक एक ब्रेड करके जितना जगह हो मतलब उतना ब्रेड उसमें डाल देंगे, एक एक करके दो दो करके, तीन ब्रेड आए तो तीन डाल देंगे, दो ब्रेड आए कढ़ाई में तो आपके दो ब्रेड डाल देंगे। दोस्तों इस तरह से करके हमारे कढ़ाई में देखिए तीन ब्रेड आ गया, क्योंकि हम लोग की कढ़ाई थोड़ी बड़ी है। और कढ़ाई के नीचे साफ़ सुथरा मिट्टी से लेवन लगा लेंगे जिससे कि आपका कढ़ाई काला भी ना हो। और एक तरफ ब्रेड हो गया है तो उसको आराम से धीरे से बिल्कुल पलट देंगे, ये देखिए ऐसे करके, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा लालपन आ जाए। धीमी आंच पे दोस्तों बिल्कुल धीमी आंच पे पकाइएगा, उससे ब्रेड में स्वाद भी आता है और ब्रेड काला और जलता भी नहीं है। पकने देंगे थोड़ी देर इसको, जैसा कि ये देखिए दोस्तों दोनों तरफ से बिल्कुल ब्रेड लाल हो गया है। अब इसको आराम से निकाल देंगे बाहर एक एक करके, ये देखिए जैसा आराम से निकाल देंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ही उम्मीद से हम लोग यूट्यूब में जुड़े हैं। और दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यूट्यूब बहुत ही बढ़िया ऐप है और आप लोग भी यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, गरीब से गरीब लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप भी बनाइए और ब्लॉगिंग कीजिए और अपने घर परिवार में जो भी मतलब कि अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं उसका वीडियो बनाइए, जो आपको आता है जिसमें आपको इंटरेस्टिंग है वो काम कीजिए। और
ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने आप मेहनत करके देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि आपका भी वीडियो बिल्कुल रफ्तार पकड़ लेगा। हम लोग की अभी ज़्यादा कुछ मतलब कि रफ्तार वीडियो पकड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी 500, 700, 400, 800 व्यूज मिल जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा ब्लॉगिंग करते नहीं ना ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। लेकिन हम लोगों को बहुत से लोगों ने समझाया है कि आप लोग भी वीडियो बनाइए, और क्या बोलते हैं कि फैमिली ब्लॉग हो या घूमने टहलने वाला ब्लॉग हो या घरेलू ब्लॉग हो, जो भी मतलब कि खाना पाना बनाते हैं उसका वीडियो बनाइए। तो हम लोगों ने दोस्तों दूसरे का कहना मानना चाहिए, वैसे ही हम लोग कर रहे हैं, देखिए कब हम लोग कामयाब होते हैं आप लोगों की दुआ से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये भी ब्रेड बन गया, अब इसको भी निकाल देंगे आराम आराम से, और इसका जो छोटा 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 टुकड़ा जो पीस है बेसन का, उसको भी निकाल देंगे। तो ऐसे करके एक एक करके ब्रेड को निकाल लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लालपन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग और भी इसमें स्वाद आ जाएगा, क्योंकि कुछ लोग मुलायम भी खाते हैं, कुछ लोग थोड़ा हार्ड भी खाते हैं ब्रेड। अब एक एक करके सारे ब्रेड हम लोग अभी 9-10 ब्रेड बना रहे हैं, तो सब एक एक करके ब्रेड को सेक लेंगे और इस तरह से तेल में इसको छान देंगे। आज के इस वीडियो में यहीं तक। ब्रेड पकौड़ा रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए हम लोग का ये ब्रेड बन के हो गया तैयार, अब खा कर देखते हैं कितना मज़ा आता है। तो दोस्तों धन्यवाद।